दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा के बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपनी दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। 5 से 6 अप्रैल के दौरान वो अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही दोनों देश इस यात्रा के दौरान 2019 में 4 से 5 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्तोक में हुए 20वें रूस भारत समिट के बाद हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। पाकिस्तान में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकवाद रोधी अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक जज को गोली मार दी। गोलीबारी में जज के अलावा उनकी पत्नी, बहू और पोते की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जानकारी दी कि एटीएस जज आफताब अफरीदी के वाहन को खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी में पेशावर इस्लामाबाद राजमार्ग पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने घेर लिया। इसके बाद उनके वाहन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। अफरीदी स्वात जिले में नियुक्त थे। जज और उनका पूरा परिवार उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की स्वात वैली से गुजर रहा था। फ्रांस से राफेल विमान भारत पहुंचने के बाद भी इन विमानों के सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोपों का विवाद थम नहीं रहा। अब फ्रांस की एक न्यूज वेबसाइट ने अपने राफेल पेपर्स नाम के आर्टिकल्स में दावा किया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहला पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा। एएफए को पता चला कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने एक बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर रजामंदी जताई थी। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार लगातार राफेल में किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से इनकार करती रही है, जबकि विपक्ष लगातार राफेल को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाकर अपने नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार के गठन की पहल की है। इसके लिए वो प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन माओवादी सेंटर और दूसरी पार्टियों का समर्थन लेगी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मानसिंह के मुताबिक पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शनिवार को अपने नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने की पहल करने का फैसला किया। पहले पार्टी प्रधानमंत्री ओली को पद छोड़ने और नई सरकार के गठन की अनुमति देने को कहेगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने की पहल करेगी। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। कोरोना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की नीति को बेहतर बताया। वहीं पाकिस्तान भी कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहीं जर्मनी में लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शनिवार को सड़कों पर सरकार के फैसले का जोरदार विरोध किया गया। लेकिन वहीं स्पेन में कोरोना के बावजूद भारी भीड़ ईस्टर के मौके पर समुद्र के किनारे जश्न मनाने से बाज नहीं आ रही।